नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन पैसिफ्लोरा इनक्रिनाटा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसिफ्लोरा प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और कॉमनली हम इसे पर्पल पैशन फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा रहा हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिए। पैसिफ्लोरा का जो फ्लावर होता है वो पर्पल और वाइट कलर का होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैसिफ्लोरा हमारे शरीर में असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं इसके लक्षण, मतलब साइन एंड सिम्टम्स बताऊँगा कि किन किन लक्षण में आपको पैसिफ्लोरा लेना चाहिए। उसके बाद मैं दोस्तों बताऊंगा कि किस बीमारी में आप पैसिफ्लोरा ले सकते हैं और क्या इसके डोजेस होते हैं, कैसे आपको इसको लेना है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पैसिफ्लोरा का एक्शन। पैसिफ्लोरा असर करती है हमारे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, मतलब दिमाग में। दोस्तों, दिमाग को ये शांत करती है। जो ज़्यादा दिमाग चलता है और उसके कारण हमें नींद नहीं आती, हमें पागलपन जैसा लगने लगता है, हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है, एन्जाइटी होती है, बाद में डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से जिनका दिमाग चलता है उनके लिए पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नींद की मेडिसिन है पैसिफ्लोरा होम्योपैथी में। अगर आपको नींद नहीं आती है और आप चाहते हैं कि आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ नहीं करें, तो आप पैसिफ्लोरा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे शरीर में कहीं भी जकड़न होती है, कहीं भी स्पाज्म होता है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि अगर आपको अस्थमा है, आपके ब्रोंकस जो हैं वो श्वास नली जकड़ गई हैं और जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों, ये था पैसिफ्लोरा का एक्शन। अब चलते हैं लक्षण की तरफ कि क्या लक्षण आपको दिखेंगे शरीर में तो आपको पैसिफ्लोरा लेना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लक्षण है पैसिफ्लोरा का, नींद आना। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आप रात भर जगते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है और कभी कभी एकदम से रात रात भर आप कुछ सोचते 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 पूरा रात आपकी निकल जाती है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आएगी रात भर और आप हमेशा जगते रहेंगे, तो आपका सर जो है वो भारी हो जाएगा और सर दर्द करने लगेगा। अगर आपको नींद ना आने के कारण सर दर्द होता है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको नींद ना आने के कारण बीपी बढ़ती है, आपका हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। पैसिफ्लोरा वूपिंग कफ, मतलब कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, इसमें इस टाइप की खांसी और तेज़ आवाज़ आना, मतलब ये तो कम आवाज़ आई है, बहुत तेज़ तेज़ से आवाज़ करके खांसते हैं जो, वूपिंग कफ की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा है और अस्थमा बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा कि आप सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल सीटी ऐसी आवाज़ आ रही है, अस्थमा के अटैक बार 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 आ रहा है, आप इनहेलर भी ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो पा रहा है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर अस्थमा में किसी भी तरह का रिलीफ नहीं हो रहा है, सांस बढ़ती ही जा रही है और सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो पैसिफ्लोरा आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ड्रग्स की लत लग गई है, मॉर्फिन की लत लग गई है, तो आप उसको छुटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो मॉर्फिन की लत छूट जाए, तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर उसके जगह पी सकते हैं। 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह और शाम को पीजिए, आपको मॉर्फिन की लत भी छूट जाएगी दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और एकदम से आपने शराब पीना छोड़ दिया, तो आपको क्या होगा, आपके हाथ कपकपाने लगेंगे, बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, बोलने में कपकपाहट आने लगेगी, कुछ अलग सा महसूस होने लगेगा, मतलब भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए भी पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। सो अगर कोई टिटनेस का शिकार हो गया है, उसको टिटनेस हो गया है, तो उसके लिए भी पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, वो लूज हो गई हैं और उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह, तो इस सब में ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी मांसपेशियां बहुत अच्छे से काम नहीं करती हैं और थोड़ा सा लूज़ हो गई हैं, स्ट्रेंथ अपना खो दी हैं,
तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से पागल हो गया है, बड़बड़ाने लगा है, तो पैसिफ्लोरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये थे लक्षण पैसिफ्लोरा के। अब चलते हैं कि किन बीमारियों में हमें पैसिफ्लोरा देना चाहिए और किस पोटेंसी में देना चाहिए। दोस्तों पैसिफ्लोरा हमेशा मदर टिंचर में ही देना चाहिए। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों पैसिफ्लोरा सबसे पहले, अगर आपको नींद नहीं आती है किसी भी कारण से, आप टेंशन लेते हैं, मानसिक तनाव है या कोई और कारण है, तो आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, पैसिफ्लोरा बहुत ही इफ़ेक्टिव सेडेटिव है। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर यूज़ करिए, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीजिए। वूपिंग कफ मतलब कुकुर खांसी, अगर आपको खांसी होती है तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर आधा कप पानी ले लीजिए, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंद डालिए सुबह दोपहर शाम। आपको पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम आपको पीना है। अगर आपको मॉर्फिन की लत है, मतलब ड्रग्स की लत है, या आपको एल्कोहल की लत है, मतलब आप शराब पीना पसंद करते हैं और आपने शराब अभी भी छोड़ी है और उसके कारण आपको बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीजिए। दोस्तों अगर किसी को टिटनेस हो गया है और उसके घर में पैसिफ्लोरा मदर टिंचर रखी हुई है, तो सिर्फ 1 चम्मच पैसिफ्लोरा मदर टिंचर उसको 1 चम्मच पानी के साथ मिला के अगर उनको पिला देते हैं, जिनको टिटनेस का अटैक आ गया है, तो उनके जो स्पाज्म हैं, जो पूरी बॉडी उनकी बिल्कुल जकड़ी जा रही है, उसमें काफ़ी राहत मिल जाएगा। तो अगर किसी को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, मतलब मिर्गी हो गई है या उनको झटके वगैरह आ रहे हैं, तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर वो 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पियेंगे, लगभग 1 से 2 महीने तक तो उनके कन्वल्जन्स ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को अस्थमा का अटैक आया है और बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के 2-3 बार उसको आधे आधे घंटे में दे दीजिए, उसकी सांस लेने की तकलीफ जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको बीपी है और ख़ासकर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब आपका बीपी जो है वो बढ़ता है और ख़ासकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आपको पैसिफ्लोरा लेना चाहिए। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के आपको रात में डेली पीना चाहिए, इससे आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। दोस्तों तो अगर आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है प्रॉपर तरीके से, मसल जो है वो लूज़ हैं, तो आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में सुबह और शाम को यूज़ करिए, लगभग 1 से 2 महीने तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर आप WSI, SBL या डॉक्टर रेकवैक की लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अपने आसपास जो भी होम्योपैथिक शॉप है वहाँ से आप ले लीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती और बाकी वूपिंग कफ, अस्थमा या आपको और भी प्रॉब्लम है, आपको मिर्गी का अटैक आता है या कन्वल्जेंस की प्रॉब्लम है, तो आपको सोना है, आपको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर का बटन दिया गया तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे एक मैसेज सेक्शन है तो वहाँ पर ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।